तो दोस्तों, हमने लोगों ने कल पढ़ा था मध्यकालीन भारत का पार्ट वन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का पार्ट टू, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएंगे और जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, और जिनका इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का पेपर है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मध्यकालीन भारत में आता है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। तो गाइस देखिए, भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो दक्षिण भारत के अलवार संतों ने किया था। ओके, अगला जो पॉइंट इसमें बन जाता है कि अलवार जो थे विष्णु को पूज्य मानते थे, जबकि नयनार शिव को। अगला बनता है पॉइंट, अलवारों की जो संख्या थी वो टोटल 12 थी तथा नयनारों की संख्या थी 63। नेक्स्ट बनता है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में शंकराचार्य पहले आचार्य थे। उनका जन्म जो दोस्तों हुआ था केरल के कलादी नामक गांव में हुआ था शंकराचार्य का जन्म। अगला पॉइंट बनता है रामानुजाचार्य एवं रामानंद भगवान राम के भक्त थे। अगला पॉइंट बनता है कि रामानंद का जो जन्म हुआ था वो प्रयाग में हुआ था, और उनके जो शिष्य थे वो बहुत ही अनेक थे, जिसमें आते हैं कबीर जिनको कहते हैं जुलाहा, रैदास जिनको कहते हैं हनी हरिजन, अगला आता है धन्ना जिससे कहते हैं जाट, नेक्स्ट आता है सेना जिसे कहते हैं नाई, और पीपा जिसे कहते हैं राजपूत। ये सभी उनके शिष्य थे। अगला बनता है कबीर का जो जन्म हुआ था कबीर दास का, वो वाराणसी में हुआ था, और साखी सबद रमैनी आदि कबीर के दोहों के संकलन हैं। उनकी भाषा जो थी सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी थी। अगला कबीर दास जो थे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो क्वेश्चन आता है कबीर दास किसके समकालीन थे, तो वो हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगला है गुरु नानक का जन्म तलवंडी पंजाब में हुआ था, अब इन्हें ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो गुरु नानक का जन्म पूछा जा सकता है कि कहाँ हुआ था, तलवंडी पंजाब में हुआ था। अगला पॉइंट बनता है उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। ओके, अगला बनता है चैतन्य स्वामी का जन्म बंगाल के नदिया जिले में हुआ था, और उनके बचपन का नाम था निमाई पंडित। इसी में गए अगला पॉइंट जो बन जाता है दोस्तों वो हो जाता है कि मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। मीराबाई जो थी कृष्ण की अनुयायी थी। उनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर तथा पति का नाम भोजराज था। अब देखिए दोस्तों, शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ हैं ज्योतिर्मठ जो कि बद्रीनाथ, उत्तराखंड शारदा पीठ द्वारका, गुजरात श्रृंगेरी मठ जो कि है मैसूर, कर्नाटक गोवर्धन पीठ पुरी जो कि है उड़ीसा में। ओके, इसी में गायद अगला आ जाता है सूरदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, वह कृष्ण के भक्त थे, और इनकी जो रचनाएं हैं सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर आदि ग्रंथों की रचना सूरदास ने ही की थी। ओके, देखिए दोस्तों कुछ प्रमुख संत हैं और उनके मत हैं, जैसे कि नाम है रामानुजाचार्य, तो उनका मत था विशिष्टा द्वैतवाद जो कि संप्रदाय था श्री संप्रदाय। अगला है माध्वाचार्य जो कि थे द्वैतपाद मत था, और इनका जो संप्रदाय था ब्रह्म संप्रदाय था। अगला बनता है विष्णु स्वामी जो कि था शुद्धा शुद्धा द्वैतवाद जो कि था संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, और निमकाचार्य जिनका था संप्रदाय द्वैता द्वैतवाद, और इनका जो संप्रदाय था उनका जो मत था ये मैंने बता दिया, और इनका जो संप्रदाय था सनकादि संप्रदाय। ओके, अब देखिए तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। ओके, वह अकबर के समकालीन भी थे, और इनके जा तुलसीदास द्वारा जो रचित रचनाएं हैं वो हैं रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनयपत्रिका, बरवै रामायण आदि तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ हैं। अगला है पॉइंट विठोबा पंत महाराष्ट्र में प्रचलित है। महाराष्ट्र के प्रमुख प्रसिद्ध संतों में एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, रामदेव आदि हैं। ओके,
अब हम लोग पढ़ेंगे सूफी आंदोलन। देखिए दोस्तों, सूफीवाद इस्लाम का एक सुधारवादी आंदोलन था जो कि ईरान से शुरू हुआ था, और इसी में आता चिश्ती संप्रदाय। सिलसिले की स्थापना भारत में मुइद्दीन चिश्ती ने की थी। उनकी ई दरगाह जो है मकबरा अजमेर राजस्थान में स्थित है। अगला, भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध सूफी सिलसिला चिश्ती सिलसिला है। अगला, शेख फरीउद्दीन गंजे सकर बाबा फरीद के नाम से भी प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही ईश्वर के प्रेमी कहा जाता था। अगला पॉइंट बनता है, सूफियों के निवास स्थान को खानकाह तथा शिष्यों को मुरीद कहा जाता है। अगला, शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद कहा जाता था तथा शेख नसीरुद्दीन को चिरागे दिल्ली कहा जाता था। ओके, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मुगल साम्राज्य, जो कि 1526 से 1707 ईस्वी तक रहा। ओके, तो गाइस देखिए, दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इसका संस्थापक था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मतलब मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? बाबर ने। अब बाबर के बारे में पढ़ लेते हैं गाइस। तो दोस्तों देखिए, बाबर का जो साम्राज्य रहा है वो 1526 से 1530 ईस्वी के बीच रहा है। ओके, तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम था कुतलुग निगार खां। ओके, वह तैमूर का पांचवा वंशज तथा चंगेज खां का चौदहवा वंशज था। अगला, बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु आलम खां एवं दौलत खां लोधी ने निमंत्रण दिया था। अगला बनता है पॉइंट, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर का भारत पर पांचवा आक्रमण था। ओके, अगला, बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद धर्मयुद्ध की घोषणा की थी तथा गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट बनता है, पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय का कारण था तुलुगमा युद्ध पद्धति तथा तोपखाने का प्रयोग। अगला, अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति मीर बाकी ने करवाया था। अगला, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक के बाबरी बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी। अब देखिए, बाबर का अंतिम समय आ गया। तो दोस्तों देखिए, मृत्यु के पश्चात बाबर को आगरा आराम बाग में दफनाया गया, परंतु बाद में शेर शाह सूरी के समय काबुल में दफनाया गया। अब आता है हुमायूं, जो कि था उनका शासनकाल 1530 से 1540 तथा 1555 से 1556 ईस्वी के बीच। ओके, तो गाय देखिए, हुमायूं ने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया था, और हुमायूं का मुख्य जो प्रतिद्वंद्वी था वह शेर शाह सूरी था, और हुमायूं ने दीनपना नामक नगर का निर्माण किया था, और उसने सप्ताह में 7ों दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए, क्योंकि वह ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था। अगला है कन्नौज या बिलग्राम युद्ध। 1540 ईस्वी के बाद हुमायूं को निर्वासित जीवन जीना पड़ा। इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। अगला पॉइंट बनता है, हुमायूं ईरान भाग गया था। वहां से वापस आकर उसने सरहिंद के युद्ध के बाद पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी। अगला है, दीन पना की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 को हो गई थी। बाबर की पुत्री और हुमायूं को बहन हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। ओके, अगला बनता है हमारा शेर शाह सूरी, जिनका शासनकाल रहा 1540 से 1545 ईस्वी के बीच। देखिए गाइस, शेर शाह ने सूरी वंश की स्थापना की थी, तभी उनका नाम शेर शाह सूरी पड़ा था, और उसने चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी तथा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ओके, अगला, शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड की मरम्मत करवाई। उसने एक सुदृढ़ डाक व्यवस्था की का प्रचलन भी किया था। अब शेर शाह सूरी के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। इनके पिता का नाम था हसन खां, बचपन का नाम था इनका फरीद खान, और वंश था इनका सूरवंश। शेर खां की उपाधि देने वाला था जो बहार खां लोहानी, और इनकी जो पत्नियां थीं दूदू बेगम लाड़ मल्लिका। ओके,
अगला इनका जो मकबरा है वो सासाराम है, जो कि बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। ओके, अगला है, शेरशाह ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया जो अकबर के समय तक चलता रहा। अगला, शेरशाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। अगला, शेरशाह ने तांबे का दाम 380 ग्रेन तथा चांदी का रुपया 178 ग्रेन नामक नवीन सिक्के चलाए थे। और मलिक मोहम्मद जायसी ने इसी समय में पद्मावत की रचना की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। शेरशाह की जो मृत्यु हुई थी 1545 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण के समय उनका नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय हुई थी। अब पढ़ते हैं अकबर के बारे में। तो दोस्तों देखिए, अकबर का जो पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, और अकबर का जो जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में अमरकोट बीरसाल के महल में हुआ था। और अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वह 14 वर्ष की आयु में पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर का संरक्षक था बैरम खां। अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध जो लड़ा था वह 5 नवंबर 1556 में हेमू के साथ लड़ा था। अगला पॉइंट बनता है, अकबर के समय 1560 से 62 ईस्वी तक शासन में महिलाओं को वर्चस्व था, इसलिए इसे पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन कहा जाता है। अब देखिए, अकबर के जो नवरत्न थे उनके नाम है, पहला था अबुल फजल, दूसरा फैजी, तीसरा तानसेन, तीसरा है बीरबल, पांचवा टोडरमल, छठा है मानसिंह और सातवां है अब्दुल रहीम खान ए खाना, अगले मुल्ला दो प्याजा और चौथनवा है हकीम हुमाम। अगला जो पॉइंट बनता है, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 में हुआ था। इसमें मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां थे जिन्होंने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया, परंतु मेवाड़ कभी भी मुगलों के अधीन नहीं हुआ। अगला, अकबर की अंतिम विजय जो हुई थी असीरगढ़ 1601 ईस्वी में की थी। गुजरात विजय की स्मृति में ही अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने। ओके, अगला है, अकबर जो थे सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का सम्मान करता था, उसके आशीर्वाद से ही जहांगीर सलीम का जन्म हुआ था। अगला है, अकबर ने हरि विजय सूरी को जगत गुरु तथा जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। अगला है, अकबर द्वारा स्थापित इबादत खाना एक धर्म संसद था। अगला पॉइंट बनता है, दीन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू जो था वह बीरबल था। उसके बीच बचपन का नाम था महेश दास। अकबर ने उसे कविराज की उपाधि दी थी। अगला, अबुल फजल ने आईने अकबरी तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला, अब्दुल समद दसवंत तथा बसावन अकबर के दरबारी चित्रकार थे। अगला जो पॉइंट बनता है, जैसे कि दिया हुआ, अकबर ने अब्दुल समद को सीरी कलम तथा मोहम्मद हुसैन को जड़ी कलम उपाधि दी थी। अगला पॉइंट बनता है, अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता जो थी वो थी मनसबदारी प्रथा। अगला है, अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? सिकंदरा में। अब जो हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर के जो बचपन का नाम था सलीम था, और जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी, यह सोने की बनी हुई थी, फरियादी इसे बजाकर न्याय की मांग करता था। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी लिखी, और जहांगीर से मिलने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस तथा 1615 में थॉमस रो भारत आए। तंबाकू की खेती जहांगीर के समय में शुरू हुई। अगला, जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां थी, जिसका वास्तविक नाम मेहरू निशा था। और जहांगीर का जो काल था चिकित्सा चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और जहांगीर ने पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। और उस्ताद मंसूर, बिशनदास मनोहर, अबुल हसन आदि जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। इस्मात उद दौला का मकबरा आगरा में, इस्मात उद दौला का मकबरा जो है आगरा में स्थित है, और जहांगीर का जो मकबरा है शाहदरा लाहौर में स्थित है। अब पढ़ेंगे शाहजहाँ के बारे में। तो शाहजहाँ के जो बचपन का नाम था खुर्रम था। शाहजहाँ की जो प्रिय पत्नी थी
अर्जुमंद बानो बेगम थी, जिसे मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था और गोलकुंडा शासक मीर जुमला ने शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था और मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था और शाहजहाँ का काल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद की नींव डाली तथा राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। उत्तराधिकार का युद्ध उसके समय में हुआ था। औरंगजेब ने शाहजहाँ को आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था, जहाँ 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अब पढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब एक पहला मुगल बादशाह था जिसको दो बार राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब कट्टर मुसलमान बादशाह था। वह शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से विख्यात था। औरंगजेब के समय सबाई राजा जयसिंह एवं शिवाजी के बीच 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। औरंगजेब के समय हिंदू अधिकारियों की संख्या सर्वाधिक थी और जजिया कर पुनः मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल 1679 में लागू हुआ और औरंगजेब ने सिखों के नौवे गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी, इसलिए करवा दी थी क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। औरंगजेब के समय सर्वाधिक मनसबदार थे और औरंगजेब के समय बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर तथा गुजरात का सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया। औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था और औरंगजेब की पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम था। ओके, औरंगजेब तथा औरंगजेब की पत्नी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। दिलरास बानो बेगम के मकबरे को बीबी का मकबरा कहा जाता है। यह ताजमहल की नकल पर बनवाया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और भी ऐसे ही पार्ट चाहिए तो कमेंट करके ऐसे हमें आंसर दे सकते हैं।